बड़ी खबर यूपी से आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। मैजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत पर खुलासा। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है जानते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए परिवार के लोग अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के तत्काल बाद ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। और इसी आरोप पर आपने देखा था काफी हंगामा भी हुआ था और सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराई गई थी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब आई है। उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ना किसी प्रकार के जहर से। इसमें जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं जिनमें डॉक्टर भी बयान में शामिल है, क्योंकि पोस्टमार्टम का पैनल से किया गया था तो उन सभी के बयान भी लिए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर ये निकल के आया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको जहर देकर मारा गया है, वैसा कुछ भी सत्य नहीं है, वो निराधार है। और मौत का जो असल कारण है वो हार्ट अटैक निकल के आया, जैसा पहले से ही पोस्टमार्टम के तत्काल बाद बात कही जा रही थी, वही बात मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई ये बात स्पष्ट है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। मजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत पर खुलासा। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है जानते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए परिवार के लोग अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के तत्काल बाद ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। और इसी आरोप पर आपने देखा था काफी हंगामा भी हुआ था और सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराई गई थी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब आई है। उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ना किसी प्रकार के जहर से। इसमें जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं जिनमें डॉक्टर भी बयान में शामिल है, क्योंकि पोस्टमार्टम का पैनल से किया गया था तो उन सभी के बयान भी लिए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर ये निकल के आया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको जहर देकर मारा गया है, वैसा कुछ भी सत्य नहीं है, वो निराधार है। और मौत का जो असल कारण है वो हार्ट अटैक निकल के आया, जैसा पहले से ही पोस्टमार्टम के तत्काल बाद बात कही जा रही थी, वही बात मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई ये बात स्पष्ट है। अब बड़ी खबर यूपी से आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। मैजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत पर खुलासा। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है जानते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए परिवार के लोग अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के तत्काल बाद ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। और इसी आरोप पर आपने देखा था काफी हंगामा भी हुआ था और सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराई गई थी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब आई है। उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ना किसी प्रकार के जहर से। इसमें जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं जिनमें डॉक्टर भी बयान में शामिल है, क्योंकि पोस्टमार्टम का पैनल से किया गया था तो उन सभी के बयान भी लिए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर ये निकल के आया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको जहर देकर मारा गया है, वैसा कुछ भी सत्य नहीं है, वो निराधार है। और मौत का जो असल कारण है वो हार्ट अटैक निकल के आया, जैसा पहले से ही पोस्टमार्टम के तत्काल बाद बात कही जा रही थी, वही बात मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई ये बात स्पष्ट है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। मजिस्ट्रियल जांच में मुख्तार की मौत पर खुलासा। जांच पूरी होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। बांदा जेल में बंद था माफिया मुख्तार अंसारी। बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है जानते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए परिवार के लोग अखिलेश मुख्तार अंसारी की मौत के तत्काल बाद ये आरोप लगा रहे थे कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। और इसी आरोप पर आपने देखा था काफी हंगामा भी हुआ था
और सरकार की ओर से इसकी मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी कराई गई थी और उस मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी की रिपोर्ट अब आई है। उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, ना किसी प्रकार के जहर से। इसमें जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने इंक्वायरी की थी उन्होंने बहुत सारे लोगों के बयान लिए हैं जिनमें डॉक्टर भी बयान में शामिल है, चूंकि पोस्टमार्टम का पैनल से किया गया था तो उन सभी के बयान भी लिए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर यह निकल के आया कि मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि उसको जहर देकर मारा गया है, वैसा कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ निराधार है। और मौत का जो असल कारण है वो हार्ट अटैक निकल के आया, जैसा पहले से ही पोस्टमार्टम के तत्काल बाद बात कही जा रही थी, वही बात मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में भी सामने आई। अगले ठीक है, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई, ये बात स्पष्ट है।